नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर प्रीति बोरा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। शिक्षार्थियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग के परास्नातक कार्यक्रम में आहार विज्ञान एवं पोषण विषय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ऊर्जा के विषय में। शाब्दिक अर्थ में ऊर्जा का तात्पर्य है शक्ति। किसी भी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा माना जाता है। मानव को विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर की सभी क्रियाओं जैसे हृदय का धड़कना, मस्तिष्क का कार्य करना, पाचन, चयापचय, उत्सर्जन और सभी मांसपेशियों संबंधी जो भी कार्य होते हैं जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर को सोने के समय भी, जब हम रेस्ट की कंडीशन में होते हैं, तब भी शरीर में कुछ आधारित क्रियाएं चलती रहती हैं जिन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा मनुष्य को भोजन से प्राप्त होती है। जब ऊर्जा के मापन की विधि होती है उसको हम ऊष्मामिति या कैलोरीमेट्री कहते हैं, जिसको हम दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित करते हैं, प्रत्यक्ष ऊर्जा ऊष्मामिति एवं अप्रत्यक्ष ऊष्मामिति। खाद्य ऊर्जा से संबंधित इतिहास के बारे में हम जानेंगे। मानव शरीर में ऊर्जा के प्रयोग के संदर्भ में सर्वप्रथम एंटोनी लेबोइजर ने कुछ प्रारंभिक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उन्होंने बताया कि जो सांस लेने की क्रिया होती है वह वास्तव में एक धीमी ज्वलन क्रिया है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। शरीर से उत्पन्न ऊष्मा एवं विमुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड आपस में सहसंबंधित हैं। लेबोइजर ने मनुष्यों द्वारा उपयोग की गई ऑक्सीजन का भी मापन किया और उन्होंने यह पाया कि शरीर की क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है शरीर में ऑक्सीजन की खपत में भी उतनी ही वृद्धि होती है। 19वीं सदी में खाद्य पदार्थों में ऊर्जा मूल्यों को आवंटित करने के लिए अमेरिकी रसायनज्ञ ने W.O. एटवाटर ने एक प्रणाली विकसित करी जिसको हम एटवाटर प्रणाली भी कहते हैं, और उन्होंने ही सर्वप्रथम खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु कैलोरी शब्द का प्रयोग किया। इस प्रणाली को खाद्य पदार्थों में उपलब्ध ऊर्जा की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली में जो पोषक तत्व हैं जिनसे ऊर्जा प्रदान होती है जैसे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इस प्रत्येक समूह के लिए एक एकल ऊर्जा मूल्य कारक का उपयोग किया जाता है, चाहे वह कोई भी खाद्य पदार्थ हो। इस प्रणाली में ऊर्जा मूल्य प्रत्येक समूह के ज्वलन के औसत ताप पर आधारित होते हैं जो उनके पाचन, अवशोषण तथा यूरिया के मूत्र में विसर्जन होने वाली हानि के लिए समायोजित किए जाते हैं। यह ऊर्जा मूल्य हैं प्रोटीन हेतु 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम या 17 किलो जूल प्रति ग्राम, वसा हेतु 37 किलो जूल प्रति ग्राम या 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम तथा कार्बोहाइड्रेट हेतु 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। इस प्रणाली में अल्कोहल के लिए भी 29 किलो जूल प्रति ग्राम या 7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम का ऊर्जा मूल्य सम्मिलित है। बात करेंगे ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों की। हमारे भोजन में उपस्थित तीन प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर को प्राप्त होने वाला कुल ऊर्जा का एक बड़ा भाग हमें कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से प्राप्त होता है। हमारा मस्तिष्क केवल ग्लूकोज को ही ऊर्जा के साधन के रूप में प्रयोग कर सकता है। जो अतिरिक्त ग्लूकोज हम आहार द्वारा ग्रहण करते हैं वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर हमारे यकृत एवं मांसपेशियों में संग्रहित रहता है, और आवश्यकता पड़ने पर अर्थात जब शरीर को भोजन नहीं मिल पाता या भोजन न मिलने की किसी भी स्थिति में यह ग्लाइकोजन शीघ्रता से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर के लिए वसा ऊर्जा का सबसे संघनित स्रोत है, और शरीर में जो अतिरिक्त वसा होती है वह एडिपोज टिश्यूज या वसा ऊतकों के रूप में शरीर में संग्रहित रहती है। यद्यपि प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर के ऊतकों का निर्माण करना है, परंतु यदि आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो और हमें ऊर्जा इनके माध्यम से ना प्राप्त हो रही हो या ये पोषक तत्व हमारे आहार में अनुपस्थित हों, तो ऐसी स्थिति में शरीर प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा के उत्पादन हेतु कर सकता है। भोजन में उपस्थित जो भी ग्लूकोज होता है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति करता है। ग्लूकोज रक्त के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और वहां से हमें ऊर्जा मिलती है। इस क्रिया में हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है। ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के उपयोग उपरांत पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुँचाता है, जिसे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और यहाँ यह हीमोग्लोबिन पुनः ऑक्सीकृत होता है। इस क्रिया को हम इस रिएक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं जो यहाँ दर्शाई गई है। भोजन में उपस्थित तीन पोषक
प्रमुख जो पोषक तत्व होते हैं उनके अतिरिक्त अल्कोहल से भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अर्थात वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल के अलावा किसी भी पोषक तत्व से हमें ऊर्जा प्रदान नहीं होती। मानव शरीर में ऊर्जा का उपयोग कई चीज़ों के लिए होता है, जैसे आधारीय चयापचय क्रियाओं या जो बेसल मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं उनके निर्वहन हेतु, शारीरिक वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत हेतु, मांसपेशियों की क्रिया एवं गति के लिए, जैसे जो रोज़मर्रा के हम कार्य करते हैं उनके लिए, मानसिक क्रियाओं के लिए, और जो शरीर का एक बेसिक टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है उसको स्थिर बनाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये तीन रूप हैं, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और ऊष्मा। जब हमें मांसपेशियों का कार्य करना होता है तो यह ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। तंत्रिकाओं में संवेदना प्रेषण हेतु शरीर विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करता है, और स्वयं के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। बात करेंगे विश्राम ऊर्जा व्यय की। विश्राम ऊर्जा व्यय क्या होता है? यह वह ऊर्जा है जो मनुष्य विश्राम की स्थिति में व्यय करता है। यह ऊर्जा की वह मात्रा है जो शरीर की सभी क्रियाओं के सामान्य संचालन एवं होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जैसे हृदय का धड़कना, सांस लेना, मस्तिष्क के कार्य, आंतरिक अंगों की मरम्मत, रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण, शरीर के तापमान को बनाए रखना। इन सब के लिए जो बेसिक जो प्रोसेसेस हैं बॉडी में उनको बनाए रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह विश्राम ऊर्जा व्यय कहलाती है। विश्राम ऊर्जा व्यय शरीर के कुल ऊर्जा व्यय का एक बहुत बड़ा भाग है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के कुल ऊर्जा व्यय का एक बहुत बड़ा भाग यानी 67% भाग विश्राम ऊर्जा व्यय होता है। आधारीय चयापचय दर क्या होती है? आधारीय चयापचय दर किसी व्यक्ति के शरीर में चयापचय प्रक्रिया के प्रयोग होने वाली वह ऊर्जा दर है जब वह व्यक्ति पूर्ण रूप से शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में हो, शरीर का तापमान सामान्य हो, व्यक्ति में भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण हो चुका हो तथा व्यक्ति को भोजन ग्रहण किए हुए 12 घंटे व्यतीत हो चुके हों। यह दर उस शारीरिक ऊर्जा को दर्शाता है जो केवल जीवन की विभिन्न क्रियाओं के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक है। यह ऊर्जा शरीर की कुछ प्रमुख प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, जैसे हृदय की धड़कन, श्वसन क्रिया, मस्तिष्क के कार्य, विभिन्न ग्रंथियों के कार्य, गुर्दों के कार्य, जो क्रियाएं मनुष्य के शरीर में अनवरत चलती रहती हैं उनके लिए यह आवश्यक है। इन क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं भी कहा जाता है। आधारित चयापचय दर को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जो हैं शरीर की सतह क्षेत्र। जितना शरीर का सतह क्षेत्र अधिक होगा व्यक्ति की आधारित चयापचय दर भी उतनी ही अधिक होगी। जो व्यक्ति लंबे और पतले होते हैं उनकी आधारित चयापचय दर छोटे व्यक्तियों से अधिक होती है। लिंग, पुरुषों के शरीर में मांसपेशियों का प्रतिशत अधिक होता है और वसा का प्रतिशत कम होता है, इसलिए उनकी आधारित चयापचय दर अधिक होती है। इसलिए समान आयु, लंबाई और वजन होते हुए भी महिलाओं में आधारित चयापचय दर पुरुषों की अपेक्षा 10-12% तक कम होती है। आयु, आयु में वृद्धि के साथ जो बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी आधारित चयापचय दर उसमें कमी देखी जाती है। वयस्कों की तुलना में बच्चों में आधारित चयापचय दर ज़्यादा होती है, जिसे हम शारीरिक जो क्रियाएं होते हैं उनसे भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्रिय होते हैं इसलिए उनका बीएमआर रेट ज़्यादा होता है। निद्रा, सचेत अवस्था की अपेक्षा नींद में बीएमआर की दर में 10% तक कमी आ जाती है। शारीरिक तापमान, शारीरिक तापमान में वृद्धि होने पर बीएमआर की दर में भी वृद्धि हो जाती है। शरीर के आंतरिक तापमान में प्रति 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर बीएमआर में लगभग 7% की वृद्धि देखी जाती है। इसीलिए जो बुखार की स्थिति होती है या शरीर का तापमान बढ़ा होता है उस स्थिति में बीएमआर ज़्यादा होता है और बॉडी में जो शरीर में जो ऊर्जा का कंजम्पशन होता है वो भी बढ़ जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव जैसे थायरोक्सिन हार्मोन चयापचय की दर को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म की स्थिति में जहाँ पर थायराइड हार्मोन के उत्पादन में वृद्धि होती है वहाँ आधारित चयापचय दर में वृद्धि होती है, इसलिए ऊर्जा के कंजम्पशन में भी वृद्धि होती है। इसलिए जो व्यक्ति हाइपरथायरॉयडिज्म से ग्रसित होते हैं उनके वजन में कमी देखी जाती है। इसके विपरीत हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति में थायराइड हार्मोन के उत्पादन में कमी आती है, जिस कारण आधारित चयापचय दर में भी कमी होती है। जलवायु, गर्म जलवायु प्रदेशों में निवास करने वाले व्यक्तियों की आधारित चयापचय दर ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा कम होती है। डर एवं तनाव की स्थिति में
आधारित चयापचय दर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट की दर में वृद्धि हो जाती है। कुपोषण भी इस दर को प्रभावित करता है। लंबे समय तक चलने वाले कुपोषण या आहार न ग्रहण करने की स्थिति में BMR की दर जो होती है वह 10 से 20% तक घट जाती है। इस दर का कई जगह महत्व होता है, जैसे थायराइड विकारों के निदान और उपचार के लिए या मार्गदर्शक का कार्य करता है, शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए आवश्यक भोजन या कैलोरी की मात्रा को जानने हेतु या सहायक होता है, और विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं की स्थितियां बताता है, जैसे मैंने बात करी अभी हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति की। ऊर्जा का मापन कैसे किया जाता है? ऊर्जा मापन हेतु प्रयुक्त इकाइयों द्वारा खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा का मापन संभव है। इसके लिए 2 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, किलो कैलोरी और जूल। किलो कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर है। और जब बात करते हैं पोषण की या भोजन की, तो उसमें हम किलो कैलोरी शब्द का या किलो कैलोरी इकाई का प्रयोग करते हैं। जूल ऊर्जा मापन की एक और इकाई है जो खाद्य पदार्थों की ऊर्जा के मापन हेतु प्रयोग की जाती है, और खाद्य पदार्थों में इसे किलो जूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1 किलो जूल ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण की गति कराने के लिए आवश्यक है। विभिन्न पोषक तत्वों के ऊर्जा मूल्य के बारे में हमने पहले भी बात करी, जिसको हम यहाँ एक बार और देखते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी या 17 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरह 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एवं 1 ग्राम अल्कोहल से 7 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो शिक्षार्थियों, आज हमने बात करी पोषक तत्वों के ऊर्जा के मापन की, और किस प्रकार जो ऊर्जा उत्पादन उनमें होता है, और किस प्रकार आधारित चयापचय दर को कई सारे कारक प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।